नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाली है बड़ों में होने वाली बहरेपन की समस्या के बारे में, और विषय में जानकारी हमारे देने के लिए मौजूद है डॉक्टर यशस्वी मान आनंद। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, बड़ों में जो बहरेपन की समस्याएँ होती हैं, ये किस एज तक आके शुरू होने लगती है अगर देखा जाए तो? देखिए, बड़ों में समस्याएं जनरली एल्डरली में देखा जाता है, जो कि 50 इयर्स के बाद चालू होती हैं, बट कुछ कुछ कंडीशन में पहले भी ये चालू हो जाती है। बहरेपन का जो बड़ों में होता है, उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। मैं सारे कॉजेज तो नहीं बता सकता मैडम इस चैनल में, लेकिन कुछ कॉजेज़ बताना पाऊँगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ईयर डिस्चार्ज। एक तो ईयर डिस्चार्ज, जो कि बड़ों में बहुत कॉमन होता है, इसके कारण यंग एज तक में भी, यानी 18 इयर्स, 12 इयर्स, एवरी एज को ईयर डिस्चार्ज अफेक्ट करता है, और इसके कारण हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम लोगों में होता है। बट बड़ों में खास के, चूंकि हमारा टॉपिक है, तो इसमें एक कॉमन चीज़ है प्रेसबाइक्यूसिस। प्रेसबाइक्यूसिस का अर्थ है एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा नस, जो कान की नस है, वो कमज़ोर हो जाती है, और उसके कारण हियरिंग लॉस होता है। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैम कि इसका लोग चाहते हैं कि हियरिंग एड नहीं लगाएं इसके लिए, लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि कोई दवा से इस हियरिंग लॉस को रोका नहीं जा सकता है। इसको ठीक तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। मार्केट में कुछ दवाइयाँ आई हैं जो बोलते हैं नस के विटामिन हैं, जिनसे इसका प्रोग्रेशन को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, बट इसको रोका नहीं जा सकता है, ना ही इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो इसलिए मैं यही अपने उपभोक्ताओं से कहना चाहूँगा कि जो हियरिंग लॉस होता है एज के साथ, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप हियरिंग एड लगाने में संकोच ना करें। हियरिंग एड इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ एक बहुत ही ज़रूरी तरह का हियरिंग लॉस होता है, जिसको हम लोग सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। ये जनरली बड़े लोगों में और ख़ास के मेल्स में होता है। सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब होता है कि अचानक से कान का सुनाई कम हो गया। जैसे कि आप रात में सोने गए और आप सुबह उठे, आपको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर आप कोई, आपको सर्दी खांसी लगी, कुछ दिन बीमार रहे, फीवर रहा, और उसमें आपको कान से सुनाई देना कम हो रहा है। ये एक बहुत अर्जेंट इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी कंडीशन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप तुरंत डिटेक्ट नहीं करते हैं इसको, और इसका अगर तुरंत दवा आप डॉक्टर से नहीं चालू कराते हैं, तो ये आपका हियरिंग लॉस परमानेंट हो सकता है। आप ज़िंदगी भर के लिए उस कान से बहरे हो जाएंगे। और यानी कि इसमें क्या डे है, गोल्डन पीरियड इसका बोला जाता है 3 दिन। जब हियरिंग लॉस आपको चालू होता है, तो आपको 3 दिन के भीतर ही यहाँ आके डॉक्टर से जांच कराना चाहिए, और उसका जो दवा चलता है, वो दवा चालू कराना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि बात दवा की आ रही थी, और आपने बताया कि अचानक से भी बहरेपन की समस्याएं हो जाती हैं, तो अगर देखा जाए कि ऑपरेशन की अगर बात करें, तो ऑपरेशन किस सिचुएशन में करना पड़ सकता है? देखिए मैम, इसमें कंडीशन में ऑपरेशन की उतना कोई रोल नहीं है। हियरिंग लॉस अगर केवल ईयर डिस्चार्ज के कारण होता है, उसमें ऑपरेशन का रोल होता है, जिसमें हम लोग बहुत तरह तरह के ऑपरेशन करते हैं। जैसे कान के पर्दे में छेद है, तो कान के पर्दे को छेद बनाना का काम कर सकते हैं, या फिर अगर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हड्डी में रोग गया हुआ है, तो उस हड्डी को निकाल के वहाँ पे डिफरेंट छोटे छोटे आर्टिफिशियल हड्डी, जैसे टॉर्प या पॉर्प बोलते हैं जिसको, वो लगा के कान की सुनाई की शक्ति को बना सकते हैं। लेकिन जब नस संबंधी हियरिंग लॉस होता है, यानी कि ओल्ड एज के कारण प्रेसबाइक्यूसिस हो गया, या फिर सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया, वैसे कंडीशन में ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता है मैम, और दवा से ही इसे कंट्रोल किया जाता है। और प्रेसबाइक्यूसिस में तो हियरिंग एड ही एकमात्र उपाय है। जैसा कि एड के बारे में बात ही कर रहे हैं कि मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या अगर एक बार अगर कोई लगा रहा है, तो मशीन को दोबारा बदलने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल मैम, क्योंकि प्रेसबाइक्यूसिस एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। प्रोग्रेसिव यानी ये धीरे 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 करके बढ़ती ही जाएगी। तो आप एक ही बार एक अच्छा हियरिंग एड चुनिएगा, जैसे डिजिटल हियरिंग एड आजकल आ रहे हैं, उसको आप चुनिएगा, तो उसमें कैलिब्रेशन कर सकता है आदमी की, जैसे जैसे सुनाई का शक्ति और कम होते जाए, उसका पावर भी उसी हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। बट अगर आप एनालॉग हियरिंग एड लेंगे या कोई सस्ता तरह का हियरिंग एड लेंगे, तो उसका फिक्स पावर होता है, जो कि अभी आपका सुनाई कम जितना है, उस हिसाब से वो पावर का वो दे देते हैं। लेकिन उसमें फिर उसके बाद कोई
गुंजाइश नहीं है कि आपको ठीक हो सके और उसको आपको चेंज ही करना पड़ेगा समय के साथ। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। तो आप डॉक्टर यशस्वी मान आनंद को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।